So, hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. आप इस चेयर पे बैठ जाओ, राइटिंग पैड हो जाएगा अवेलेबल. तो किड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लास्ट क्लास पे किया था. हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं हुआ तो हम देंगे ही नहीं, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा भी हुआ पार्टनरशिप डीड में सिर्फ तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट सफिशियंट होगा. यस और नो? लॉस होगा तो दिया ही नहीं जाएगा. मगर हम पार्टनरशिप डीड के अंदर ही चेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस. इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे लास्ट क्लास के अंदर. आज की क्लास के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कर रहे हैं जब कैपिटल कंसिस्टेंट ना हो, कॉन्स्टेंट ना हो. आपको दो चीजों में फर्क समझना चाहिए. लिखा हुआ है बिजनेस में कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन. जो ये कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, इसे हम ड्रॉइंग्स मान के चलते हैं. ड्रॉइंग्स क्यों होती है? इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट. हम मान के चल रहे हैं हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा. अब अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से हम कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं पर्सनल यूज के लिए. ओनर को भी तो पैसा घर चलाना है. मगर कई बार पार्टनर्स डेलिब्रेटली अपना कैपिटल चेंज करते हैं. क्वेश्चन में लिखा होता है कैपिटल विड्रॉ कर रहा है या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है. अगर ड्रॉइंग्स हो रही है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी, मगर अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है और कैपिटल विड्रॉ हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंजेस आएंगे. आज वही वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग. इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020 द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई स्टूड इन द बुक्स एट ₹4 लाख एंड ₹5 लाख रिस्पेक्टिवली. ऑन 1 मई 2020 एक्स इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल एंड वाई विड्रू 50,000 फ्रॉम हिज कैपिटल. अगर ये फ्रॉम हिज कैपिटल में लिखा होता ना, हम ड्रॉइंग भी मान सकते थे, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फ्रॉम हिज कैपिटल, यानी कि ये कैपिटल रिड्यूस हो रहा है. अगर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फर्क पड़ेगा. ऑन 1 अक्टूबर एक्स विड्रू ₹2 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल और वाई इंट्रोड्यूस 2 लाख 50. अगर हम देखें 1 अप्रैल के बाद उनका कैपिटल दो बार चेंज हुआ है, तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा? बहुत सिंपल है. और घर में पीछे वाली लाइट बंद कर देना, रिफ्लेक्शन आ रही है. सबसे पहले हम एक्स का निकाल लेते हैं, वाई का फिर आप निकालना. आपको डेट गिवन दी हुई है बच्चों 1 अप्रैल. 1 अप्रैल को एक्स का कैपिटल जो है ₹1 लाख है, ओ सॉरी 4 लाख है 1 अप्रैल 20 को. 1 मई 20 को एक्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया एडिशनल कैपिटल ₹1 लाख. तो यानी कि 1 मई को ही उसका कैपिटल चेंज हो गया, ₹1 लाख इंट्रोड्यूस किया. पहले कितना कैपिटल था? 4 लाख. 1 लाख वो डाल दिया, कितना हो गया? 5 लाख. तो 1 मई से उसका कैपिटल हो गया 5 लाख. दोबारा 1 अक्टूबर को एक्स ने विड्रू कर लिया ₹2 लाख, यानी कि पहले उसका कैपिटल 4 लाख था, 1 मई को उसका 5 लाख हो गया. उसके बाद उसने ₹2 लाख अपने कैपिटल से विड्रॉ कर लिया, तो कितना कैपिटल हो गया उसका? ₹3 लाख. ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कमेंट्स पे आंसर देते रहे. इज इट क्लियर? अब बच्चों यहां पे क्लियरली आपको पता चल रहा है अप्रैल से मई तक, यानी कि 30 अप्रैल लिख सकते हैं या 1 मई भी लिख सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. 1 मई लिख लेते हैं. 1 अप्रैल से 1 मई तक उसका कैपिटल 4 लाख था,
फर्स्ट मई से फर्स्ट अक्टूबर तक, उसका कैपिटल 5 लाख था, और फर्स्ट अक्टूबर से ईयर एंड तक, कब अकाउंटिंग ईयर एंड होगा? 31 मार्च। उसका कैपिटल 3 लाख। तो क्लियरली यहां पे मेंशन है, क्लियरली यहां पे विजिबल है, 4 लाख का कैपिटल उसका 1 महीने तक रहा, 5 लाख का कैपिटल उसका मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहा, अक्टूबर को तो चेंज हो गया फर्स्ट को, 5 मंथ्स तक उसका कैपिटल रहा 5 लाख, और फर्स्ट अक्टूबर से 31 मार्च तक उसका कैपिटल कितना रहा इन 6 मंथ्स के लिए? 3 लाख रुपीज। अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ध्यान रखना टोटल 12 आना चाहिए क्योंकि साल में टाइम पीरियड तो 12 महीने ही है ना। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट निकाल लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा निकाल लिया 4 लाख के ऊपर 6% है, मगर 6% पर एनम है, तो 1 महीने का कितना होगा? मंथ्स को ईयर में डिवाइड कर लेते हैं 1/12, 12 से डिवाइड करके ईयर में डिवाइड हो जाता है। इज इट क्लियर? जल्दी सेटल हो जा बच्चे, एक तो लेट आई है। कितना हो गया? 2000। इज इट क्लियर? दूसरा, 5 लाख के ऊपर 6% फॉर 5 मंथ्स, ट्वेल्थ हो एंड 500, 2500 × 5, इज इट क्लियर? और 3 लाख का कैपिटल रहा उसका सिक्स मंथ्स के लिए, तो 9000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 23500। इज इट क्लियर? श्योर? इजी है, मगर स्टिल हम लोग इसे थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं क्योंकि 3 फिगर्स दी हुई है हमें, तो मैं इसको एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। इंस्टेड ऑफ दिस मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब कैलकुलेट कर रहा हूं, एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है मेरे को, आ गया? एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, अरे सॉरी बच्चों, क्या क्लियर नजर आ रहा है? हर एक में एक कैलकुलेशन बार बार हो रही है, 6/100 हर एक में हो रहा है और हर एक फिगर 12 से डिवाइड हो रही है, यस और नो? तो इसे कहते हैं कॉमन करना, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन करके सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और थोड़ा फास्ट हो जाती है कैलकुलेशन अगर ज्यादा चेंजेस आ रहे हो या क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली कैपिटल वो चेंज कर रहे हो। अरे क्या कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तरह प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। किसका प्रोडक्ट? कैपिटल का और मंथ्स का। 4 लाख × 1, 4 लाख, देखो यहाँ पे 4 लाख और 1 था, 5 लाख और 5 था, 3 लाख और 6 था, तो कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? वो मंथली कैपिटल निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? मंथली कैपिटल 5 लाख × 5, 25 लाख, 3 लाख × 6, तो हमारे पास मंथली कैपिटल टोटल आ गया
47 लाख। इज इट क्लियर? श्योर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से निकल सकता है, और जल्दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। क्या कॉमन लिया था? 6/100 हर एक में कॉमन था, और हर एक कोई 12 से डिवाइड हो रहा, तो कॉमन ले लिया। तो हमारे पास सीधा आंसर निकल गया 47 लाख। एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़ी, 6% इंटू 1/12, 23500। सेम आ रहा है, इससे भी सेम आ रहा था, दूसरे वे से भी हमारा सेम आ रहा है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? पक्का झूठ बोलोगे पाप लगेगा, क्लियर है? तो ऑनलाइन वाले बच्चे स्माइल दे दे अपनी जल्दी से। अब वाई वाला किस तरीके से निकाले? वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट वाले मेथड से कर ले, बेस्ट मेथड रहता है। प्रोडक्ट वाले मेथड में क्या होता है, कितना कैपिटल कितने महीने के लिए यूज हुआ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मंथली कैपिटल निकाल देते, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 करके पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, खासकर तब जब क्वेश्चन में फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा हो। इज इट क्लियर? पक्का? सो अब हम वाई का निकाल लेते हैं। वाई का एक अप्रैल में कितना कैपिटल था? 1 अप्रैल को कितना कैपिटल था वाई का? 5 लाख रुपीस। फर्स्ट मई को एक्स ने तो इंट्रोड्यूस किया था, मगर वाई ने विड्रू किया था 50,000, तो 5 लाख से कितना हो गया कैपिटल? 4 लाख 50,000। तो भैया ये फर्स्ट मई को उसका कैपिटल हो गया 4 लाख 50,000, और फिर फर्स्ट अक्टूबर को वाई ने 2 लाख 50,000 दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 4 लाख 50 में 2 लाख 50 ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपीस। अब ये कैपिटल कितने मंथ के लिए था? ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की रहा होगा, क्योंकि 1 मई को चेंज हो गया। ये 1 मई से 30 सितंबर तक की रहा होगा, आप 1 अक्टूबर भी लिख सकते थे, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। इज इट क्लियर? तो ये कैपिटल रहा 1 महीने के लिए, ये कैपिटल रहा 5 महीने के लिए, और ये कैपिटल रहा 6 महीने के लिए। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट निकाल लेंगे, 5 लाख 22 लाख 50,000, 42 लाख। ये मंथली कैपिटल हो गया, यानी कि सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया। तो बालक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? ₹69,50,000। कितने परसेंट है? 6%। और कुछ करना है इसके साथ? 1/12, सो इट बिकम 3,475,000, 34,750 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन वाइज कैपिटल। इज इट क्लियर? क्लियर? एनी डाउट? पक्का? श्योर? गुड। अब एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में बहुत बार कैपिटल, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हो रहा है और कैपिटल विड्रॉ भी हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में हमारा प्रोडक्ट मेथड ही बेस्ट रहेगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ए एंड बी कमेंस देयर बिजनेस ऑन, ओके,
ये गड़बड़ हो गई। चलो इसी के हिसाब से करेंगे, 1 जनवरी। तो पहली बात यहां पे कैलेंडर ईयर ले रहे हैं, कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर। इज इट क्लियर? कैसे चला कैलेंडर ईयर? 1 जनवरी से स्टार्ट किया हुआ है और नवंबर तक की ट्रांजैक्शन दी हुई है। इनफैक्ट मैं क्वेश्चन में मेंशन कर देता हूं, हियर अकाउंटिंग पीरियड इज कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का अकाउंटिंग पीरियड इज कैलेंडर ईयर। तो बालक को 1 जनवरी को उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 1,20,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। वो कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे इन द कैपिटल रेशियो। अब आप लोगों को तो पता है कि पार्टनर्स की आपस की मर्जी होती है, वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं वो उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या रहेगी। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली मेंशन होता है। इन्होंने इस पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, भैया जिसका जितना कैपिटल उसका उतना हिस्सा। इज इट क्लियर? ऐसे करके नहीं बैठना क्लास में मेरे, उससे भी बहुत बार टोक चुका हूं। ओके। जिसका जितना, जिसके जितने हिस्सेदारी, सॉरी, जिसके जितना कैपिटल, जिसका जितना कॉन्ट्रीब्यूशन उतना है उसकी हिस्सेदारी, यानी कि उतना उसका प्रॉफिट शेयर। अगर एक फिक्स कैपिटल होता, एक ने 6 लाख लगाए, एक ने 10 लाख लगाए, तो हम बोलते भैया 6:10 में, यानी कि 3:5 में बांट लो प्रॉफिट। मगर यहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होना है कैपिटल की रेशियो में, और कैपिटल बदले जा रहे हैं। तो ऐसे केस में जो हमारा प्रोडक्ट मेथड से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, वो यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। इज इट क्लियर? हम दोनों का मंथली कैपिटल निकाल लेंगे, वो जो रेशियो होगी वही उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो हो जाएगी। करके दिखाते हैं ओरली क्या अकाउंट्स है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं क्योंकि तो बड़ा होने वाला है क्वेश्चन। नाउ लुक हियर, यहां पे पहले एक्स का निकाल रहे हैं, फिर वाई का निकाल लेंगे। वाई का यहां पे निकाल लेंगे। फर्स्ट अप्रैल को कैपिटल था, ओ सॉरी, 1 जनवरी को, ये कैलेंडर ईयर लेके ना गड़बड़ कर दिया है क्वेश्चन में। 1 जनवरी को इसका कैपिटल था 1,20,000 रुपये। फर्स्ट अप्रैल को ए ने क्या किया, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किए गए हैं और ये कैपिटल विड्रॉ करे। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो ए ने अपने 33 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक तो उसका कैपिटल कितना रहा, 1,20,000। मगर 1 अप्रैल से उसका कैपिटल कितना हो गया, 90,000। 33 रुपीज विड्रॉ कर लिए। 1 जुलाई को उसने दोबारा इंट्रोड्यूस कर लिए 30,000 रुपीज। उसने अपना कैपिटल दोबारा इंट्रोड्यूस किया 30,000 रुपीज। तो 1 जुलाई को उसका कैपिटल हो गया 1,20,000 दोबारा। 1 अक्टूबर को उसने 6,000 रुपये दोबारा विड्रॉ कर ए ने, तो 1 अक्टूबर को ए का कैपिटल हो गया 1,20,000।
14,000। और फर्स्ट मेंबर को उसने दोबारा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कितना, 9,000 रुपीज। तो फर्स्ट ऑफ नवंबर को उसका कैपिटल हो गया 1,23,000। ये वाला कैपिटल कितने टाइम तक रहा, 1 अप्रैल से 1 जुलाई यानी कि 30 जून तक। ये 1 जुलाई से 30 सितंबर, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो चेंज हो गया। ये वाला 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, और ये 1 नवंबर से 31 दिसंबर। तो कितने मंथ्स के लिए कैपिटल रहा? ये वाला 3 मंथ्स के लिए, ये वाला भी 3 मंथ्स के लिए, जुलाई से सितंबर ये भी 3 मंथ्स के लिए, फिर अक्टूबर के लिए, फिर नवंबर और दिसंबर के लिए। कैसे पता लगा सही कैलकुलेट किया है? टोटल क्या होना चाहिए, 12। आ रहा है टोटल 12 यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में 12 काउंट ना करने लग जाना, उसमें तो पहले दिन अगर 1 अप्रैल को ड्रॉइंग हुई है वही 12 महीने के लिए हुई है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 3,60,000, अलग कलर यूज करते हैं चेंज करने के लिए। 3,60,000, 2,70,000, 3,60,000, 1,14,000 एंड 2,46,000। टोटल कितना हो गया, 5 गड़बड़ हुई है, ये 5 है। थर्टीन लैख 50,000। इज इट क्लियर? एनी डाउट? सबको क्लियर है? कुछ बोल रहे थे बालक? पक्का? चलो ठीक है, अब वाई का निकाल लेते हैं। वाई का कैपिटल, वाई अब 1 जनवरी को वाई ने जो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो किया था 60,000 का। फर्स्ट अप्रैल को उसने 15,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो उसका कैपिटल हो गया 75,000 का। 1 जुलाई को मगर उसने 15,000 रुपये दोबारा निकाल लिया। तो दोबारा उसका कैपिटल कितना हो गया, 60,000 को। 1 सितंबर में इसने कुछ नहीं किया, नहीं किया ना, 1 सितंबर को भी सिर्फ 18,000 रुपीज इंट्रोड्यूस करे, तो 78,000 हो गया। 1 अक्टूबर को उसने 24,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस कर दिए, हमारा क्वेश्चन बड़ा कर दिया, 1,02,000। और 1 नवंबर को इस बालक ने 4,500 रुपीज विड्रॉ कर लिए, यानी कि कैपिटल कितना हो गया, 97,500। इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है ये? श्योर? एनी डाउट? चेक कर लेना, कोई मेरी गलती हो तो बता देना। कैलकुलेशन में मंथ्स ऐसे भी कर सकते, ये 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक रहा, यानी कि 3 महीने का। अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 1 अप्रैल को तो बदल गया ना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स के लिए। ये अप्रैल से जुलाई तक 75,000 रहे,
अप्रैल मई जून तक, क्योंकि 1 जुलाई को तो चेंज हो गया। इज इट क्लियर सबको? भगवान कसम। ओके, तो 1 जुलाई से 1 सितंबर, जुलाई एंड अगस्त 2 मंथ्स तक, सितंबर से अक्टूबर 1 महीने तक 78 ट्रेन रहा, 1 महीने तक अक्टूबर तक ये रहा, नवंबर और दिसंबर 2 महीने उसका ये रहा, टोटल 12 ही आ रहा है, इसलिए सही है। इज इट क्लियर? थोड़ा सा उधर कर लेते हैं। प्रोडक्ट 1,80,000, 2,25,000, 1,20,000, 78,000, 1,02,000 एंड 97,500। ओ सॉरी, ये तो 2 से करना था, 1,95,000। टू कैरी, ओके तो इसका कैपिटल रहा 9 लाख। कितना रहा इसका कैपिटल? 9 लाख। इज इट क्लियर? मंथली कैपिटल दोनों का निकल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू निकाल सकते हो आप लोग, मगर उससे पहले प्रॉफिट शेयर रेशो निकाल लेते हैं। इसका अगर मंथली कैपिटल देखा जाए कितना है, 30,50,000। इसका मंथली कैपिटल क्या है? 9 लाख। इस रेशियो में इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस, तो जो इनका प्रॉफिट बटेगा वो भी किस रेशियो में बटेगा? 13,50,000 और 9 लाख की रेशियो में। यस और नो? सो रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी, भैया हमने एक्स और वाई लिख दिया, किसी ने टोका नहीं, नालायक बच्चे हैं। ये ए था और ये बी था। रेशियो ऑफ कैपिटल कितनी है? 13,50,000, रेशियो 9 लाख, 5 जीरो से, अरे 4 जीरो से, 4 जीरो कट गई, 45 से कट रहा है दोनों, आप धीरे धीरे काट लेना। 45 2s are, 45 3s are, तो रेशियो ऑफ कैपिटल क्या हो गई? 3:2। यानी कि अब जो प्रॉफिट बटेगा वो भी किस रेशियो में बटेगा? 3:2। इज इट क्लियर? एनी डाउट? पक्का? चलो गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लो, यहां पे निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 9%। प्रोडक्ट लिखेंगे 13,50,000, उसका 9% इंटू क्या करना है? 1/12, क्योंकि मंथली कैपिटल तो ईयरली इंटरेस्ट ईयरली है, तो डिवाइड कर दिया 12 से, तो थ्री सेवन फाइव, सो इंटरेस्ट वुड बी 10,125। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, वैसे गलत नहीं होती मेरी, ठीक है स्टिल। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, इसका मंथली कैपिटल कितना था? 9 लाख। का 9% इंटू 1/12, 3,4,2,2,50, यानी कि 7,750। इज इट क्लियर? सिंबल लगा देना रुपीस का। आई होप इट इज क्लियर टू यू, सबको क्लियर है?
तो अगर टाइम पीरियड फ्लक्चुएट हो रहा है तब कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, समझ आ गया? और अगर कैपिटल फ्लक्चुएट हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि भैया प्रॉफिट किस रेशियो में हो रहा है, कैपिटल रेशियो में, तब भी आपको यहां तक तो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चे, पूछो पूछो, नोटबुक पे डाउट है, पास आ जा यार तू मेरे। जैसे आपने उधर अभी बोर्ड पे करवाया था तो आपने दोनों के मेंस अलग अलग लिखवाए थे, अगर हाँ मैं वही चीज एक दोनों के मेंस सेम लिखता हूँ। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये कह रहा मैं बंस का जो सेम है वो सेम ना लिख लूँ, अलग अलग एक ही में कर लूँ, कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं बता रहा हूं अपने साथ दुश्मनी है तो कर लेना, क्योंकि ट्राई करके देखियो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि 1 जनवरी से 1 मार्च तक इसका कैपिटल तो सेम है, यानी कि आपको डेट दोबारा नहीं लिखनी पड़ रही, मंथ दोबारा नहीं लिखने पड़ रहे। इज इट क्लियर? तो वो कह रहा है कि हम एक ही डेट का कॉलम और मंथ का कॉलम एक ही बना के दोनों का कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, वही तो, यानी कि जो कॉमन है तो डेट कॉमन कर ले, एक चीज कॉमन करने के लिए इतनी लाइफ क्यों दो बार करनी। और यानी कि सेम डेट के अंदर मैं एक ही कॉलम में बना लूं ए बी का, अलग अलग डेट ना लिखूं, क्या पॉसिबल है? कर सकते हो, बट व्हाट आई एम सेइंग यू, अकाउंटेंसी का एक प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, सुना है? क्लास 11 में पढ़ा था। यानी कि ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन अ मैनर सो दैट अ पर्सन जिसको वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो उसे समझ पाए इजली। तो वर्किंग नोट जितने क्लियर होते हैं, नोट्स हमारे जितने क्लियर होते हैं उतना अच्छा होता है। इज इट क्लियर? या बट कर सकते हो, दैट इज नॉट ए इश्यू। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना? प्रेजेंटेशन का तरीका जैसे मर्जी कर सकते हो, वर्किंग नोट्स पे टीचर प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं काट सकता। इज इट क्लियर? एज लॉन्ग एज सही किया, उसे समझ में आ रहा है। किड्स, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कैपिटल के साथ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है, बट ये तो गलत है, कैपिटल चेंज हो रहा है तो चेंज भी हो सकता है। तो मैंने, क्योंकि फेमस बुक्स पे ये लिखा है, तो मैंने एक उस पे एक फ्रेज ऐड कर दिया, कैपिटल प्रायर टू फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स बीच में प्रॉफिट बटा होगा, ड्रॉइंग्स हुई होगी। भैया प्रॉफिट बांटने ड्रॉइंग्स वगैरह को कंसिडर करने से पहले जो उसका कैपिटल था उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि साल के आखिर में हमें इनके ड्रॉइंग उनके कैपिटल से लेस नहीं होनी चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले। प्रॉफिट ऐड नहीं होना चाहिए, कोई सैलरी ऐड नहीं होनी चाहिए, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका ऐड नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मस्ट बी एडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, इस पे निकालना चाहिए ओपनिंग कैपिटल। कई बार टीचर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे देता है, घुमा के दे देता है, वो कहता है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग उसका कैपिटल इतना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो ऐसे में हम क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना। इज इट क्लियर? तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन ध्यान दो, जो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वापस ले लो, जो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो क्या करो, वापस ले लो। सैलरी दी थी, कैपिटल बढ़ गया होगा, वापस ले लो। प्रॉफिट दिया होगा, उससे कैपिटल बढ़ गया होगा, माइनस कर दो। जिस चीज से उसका कैपिटल कम हो रहा था वो उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए एड बैक कर दो। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, क्यों, क्योंकि ड्रॉइंग से कैपिटल कम होता है, एड बैक कर देंगे तो उसका इफेक्ट क्या हो गया, नलीफाई। इज इट क्लियर? लेस एनी डिविजन ऑफ प्रॉफिट, कुछ भी अगर प्रॉफिट बांटा है प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ा होगा, उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए क्या करें, लेस। या एनी चार्जेस फ्रॉम पार्टनर एंड लॉस, कोई भी चार्जेस वगैरह उससे लिए हो उसको से पहले। इज इट क्लियर? करके मजा आएगा, ऐसे कैसे ओरली।
तो क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो है 1:2:2। आफ्टर डिविजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 कैपिटल है 1,50,000, 1,80,000 और 2,10,000। क्या दिया हुआ बच्चों हमें, कौन सा कैपिटल है ये, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग, क्योंकि बोल रहे हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये कैपिटल है। उसके बाद बोल रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने 20,000 पे हर एक ने विड्रॉ भी करे थे और 60,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था। ओके, ये वाला पार्ट अभी मैं हटा रहा हूं, मैं करवाऊंगा। बट बाद में करवाऊंगा, पहले सिंपल वाला क्वेश्चन। ये गलती से सेकंड लेवल का क्वेश्चन एड ऑन हो गया है। कह रहे हैं यू आर कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ पी क्यू आर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्या करना है, कैपिटल निकालना है पी क्यू आर का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पी क्यू आर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट लिख ले, 10% पर है ना। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी निकाल पाएंगे जब ओपनिंग कैपिटल होगा। तो पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं। क्या नाम है इनका, पी क्यू आर। इसका कैपिटल है 1,50,000, 1,80,000, 2,10,000। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, इज इट क्लियर? ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे, क्या करें ड्राइंग्स को, ऐड या लेस? ऐड ड्राइंग्स। क्यों भैया, ड्राइंग से तो कैपिटल कम होना चाहिए, ये हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अफेक्ट नलिफाई कर रहे हैं, उसका अफेक्ट हटा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। इज इट क्लियर? 20,000, 20,000, 20,000, ऐड क्या कर दी, ड्राइंग्स। श्योर? पक्का? और जो प्रॉफिट था उसे क्या करेंगे, लेस। कोई बताएगा कितना प्रॉफिट लेस करें, जल्दी से बताओ। 20,20,20। अरे नलायक, प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन दी हुई है 1:2:2, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा मिलेगा पी को, 2 हिस्से मिलेंगे क्यू को और 2 हिस्से मिलेंगे आर। 1:2:2, तो 60,000 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 1:2:2। 60,000 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक पार्ट 12,000 आ गया, एक पार्ट आ गया। अब पी को उसका एक हिस्सा दे दो, वाई को 2 पार्ट्स दे दो, 2 से मल्टीप्लाई करके, और आर को ऐसे भी कर सकते हो, 1/5 पी का, फिर 2/5 ऑफ 60,000 क्यू का, फिर 2/5 ऑफ 60,000 आर का। बट क्यों करे जब आसान तरीका है हमारे पास, तीनों में तो 5 से डिवाइड होना है, हो तो वही जाएगा ना। तो डेट्स वाई सीधा 5 पार्ट्स निकाल लिए, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट कितना हो गया 12,000, फिर इसका 12, 24, 24 लेस कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा देते। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे को आ सकता है, इज इट क्लियर? ओपनिंग कैपिटल निकल गया बच्चों। अरे कितना आया ओपनिंग कैपिटल, 1,58,000, 1,80,000,
एंड 2,06,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल आएगा। 10% पर एनम में आसान हो गया, 15,000, 800, 17,000, 600, 20,000, 600। इज इट क्लियर किड्स? पक्का आसान है? एटम बम फेंक दू, मुश्किल दे दू? ओके। अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने 11 पे कितनी अच्छी तुम्हारी अकाउंट थी, कईयों की अच्छी थी कईयों की बहुत बुरी थी, ठीक है ऐसा हो सकता है। बट एक बड़ा सिंपल सा वे मैं आपको बता रहा हूं, जब हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट खत्म हो जाते हैं, रेंट का, सैलरी का, सेल्स परचेज, सारे अकाउंट खत्म हो जाते हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ तीन चीजें नजर आती है, पार्टनर्स कैपिटल, असेट्स और लाइबिलिटी। यस और नो? सारे नॉमिनल अकाउंट, सारे एक्सपेंस और रेवेन्यू हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल में खत्म करते। इज इट क्लियर? मगर अगर बैलेंस शीट में कोई हमें ऐसी चीज नजर आ रही है, इसका मतलब वो अकाउंट हमने क्लोज नहीं किया जो नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट में हमें ये 20,000 रुपये नजर आ रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग पार्टनर्स। अगर प्रॉफिट बढ़ गया उसका तो बैलेंस बचा ही नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही बोला लड़की रे। अगर यहां पे हमें नजर आ रहा है बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, इसका लो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये 20,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे होंगे। इज इट क्लियर? यानी कि बांटे नहीं होंगे। जो चीज बांटी नहीं उसका इफेक्ट थोड़ा ना नलीफाई करेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए हम नलीफाई करते थे ना इफेक्ट, प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग एड करी थी ना यहाँ पे, एड ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते। समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं? ये समझ आया ना? यहाँ पे हमने ड्रॉइंग एड करी थी क्यों? अफेक्ट नलीफाई कर रहे थे। प्रॉफिट लेस किया था क्योंकि पहले बांट चुके थे, उसका फैक्टर नलीफाई कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पेबल टू वाई ड्यूरिंग द ईयर। ड्रॉइंग ऑफ वाई थी 15,000 रुपये, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर था 30,000। अब देखो, जिसको समझ नहीं आया वो अभी समझ लेना, और समझे बगैर आगे नहीं बढ़ने दोगे, कसम है भगवान की। कोई बात नहीं, हम इस टॉपिक पे ही इको की क्लास भी खा जाएंगे, समझ में आए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है? जीरो डॉट का मतलब परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का मतलब 100% मार्क्स। तो वी आर गोइंग फॉर 100% मार्क्स। इज इट क्लियर? 99% नहीं आए तो हमें भैया बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। कैसा कैपिटल है? और हम लोगों ने सीखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालना है? ओपनिंग कैपिटल पे। तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहिए। जब मैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कर रहा हूं, कैपिटल ऑफ वाई, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल कितना वाई का? 40,000। ऐड क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स 15,000 रुपए की, लेस करते हैं हम प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट बांट दिया होता। प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर 30,000। प्रॉफिट शेयर रेशियो लीजिए तो इक्वल मानी जाएगी।
गलती क्या कर सकते हैं बच्चे, प्रॉफिट लेस करते हुए यहाँ पे 15,000 रुपए लेस कर सकते हैं जो कि गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर हाफ ऑफ 33 निकाल रहा हो, 15,000 ही आ रहा है तो सही होना चाहिए। 30,000 प्रॉफिट था, वाई को अपने शेयर मिलेगा, मगर ये 30,000 का प्रॉफिट बटा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ये 30,000 का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। क्यों? ये 30,000 का प्रॉफिट 2020-21 का था। 2020-21 का कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है? 33। उसमें से 20,000 तो बैलेंस शीट के अंदर ही है, यानी कि इस 30,000 में से 20,000 तो कहां पे नजर आ रहा है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। इसका मतलब 30,000 में से सिर्फ 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तभी तो 20,000 बचा होगा। यस और नो? मैंने 30,000 रुपये दिए कौशल को, ये बाद में मेरे को अभी भी 20,000 रुपये क्या है, कह रहे मेरे पास पड़े हुए है। यानी कि कितने खर्च करके आया दोस्तों पे? 10,000। यस और नो? अब 30,000 का प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस शीट पे ऑलरेडी 20,000 का पड़ा हुआ है, इसका मतलब कितना बांटा है? 10,000। जितना बांटा उतने तो वापस लेंगे। इज इट क्लियर? पक्का क्लियर है? भगवान कसम झूठ नहीं बोलना। ओके, तो यहां पे मैं 30,000 की बजाय क्या लिखने वाला हूं? 10,000। क्यों बालको? क्योंकि 33 में से 20,000 का तो बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, इसका मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 10,000। इज इट क्लियर? हाँ, तू आंसर बता दे पहले। 50,000। इज इट क्लियर? ओपनिंग कैपिटल बिल्कुल सही निकाला हुआ है ना ने? या ये क्लास मिस करने की वजह से हुआ है। पार्टनरशिप डीड, एक बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं करी हुई तो ये पॉइंट दोबारा बता देता हूँ। अगर पार्टनर से आपस में कोई डिसाइड नहीं किया हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं करी हुई, कुछ भी डिसाइड नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे पार्टनर से डिसाइड नहीं किया हुआ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयर रेशियो मस्ट बी इक्वल, जितना मर्जी कैपिटल डालो, एक ने 50 लाख, एक ने 5 लाख, तब भी प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगी? इक्वल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट कमीशन नहीं दी जाएगी, और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोविजंस है, ठीक है? फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने किया था, डोंट वरी, मैराथन क्लास में हो जाएगा वो भी कवर। इज इट क्लियर? पक्का? भगवान कसम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई के 53 का 6%, 3,000 रुपये। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन तुम खुद करोगे, लास्ट क्वेश्चन है, खुद करके दिखाओ। और ध्यान रखना, अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है यानी कि उसका कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ा। 30,000 में से 20,000 का प्रॉफिट तो बैलेंस शीट पे दिया हुआ था, यानी कि सिर्फ 10,000 का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब जरा दिमाग लगा के ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। आपका समय स्टार्ट होता है अब। अरे नहीं, ये होमवर्क है क्योंकि टाइम हमारे पास हो चुका है, बट कर लो फिर भी, कोशिश कर लो। तो किड्स, आप लोग चेक कर लो अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए होगा? क्लोजिंग कैपिटल। थोड़ा लेवल बढ़ाना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन
एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, रिफ्रेशर्स में नहीं दिए हुए। जिस दिन ये एग्जाम में आएगा बोर्ड के पेपर के अंदर, उस दिन तुम लोगों की लॉटरी निकलेगी क्योंकि तुम्हें आता होगा सिर्फ। तो लॉन्ग और शॉर्ट का कैपिटल दिया हुआ है 1,60,000 एंड 1,40,000, ट्राई किया था। अब लॉन्ग की ड्राइंग थी 40,000 रुपये। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को ऐड करते हैं। लॉन्ग की ड्राइंग थी 40,000 रुपये और शॉर्ट की थी 50,000 रुपये। मैंने शॉर्ट की तो प्लस कर दी, लॉन्ग की प्लस ही नहीं कर रहा, क्यों भैया? बैलेंस शीट में दी हुई है, उसका बैलेंस दिया हुआ ऑलरेडी। अगर कोई चीज का अकाउंट ऑलरेडी बचा हुआ है, यानी कि उसका अकाउंट क्लोज नहीं किया। ड्राइंग्स के अंदर मैंने बोला कि भैया तेरी ड्राइंग्स है 40,000 रुपए की, यानी कि कैपिटल से लेस नहीं करी। दो है पार्टनर, एक चंगू एक मंगू। चंगू को कह रहा हूं मैं, तेरा कैपिटल है 1,60,000। मंगू को कह रहा हूं तेरा कैपिटल है 1,40,000 है। चंगू को कह रहा हूं तेरा कैपिटल तो 1,60,000 है, 40,000 रुपये तूने निकाले भी हुए हैं। मंगू कहता है मैंने तेरा लेस कर दिया है, यानी कि इसके कैपिटल में से लेस नहीं किया हुआ ना। इज इट क्लियर? जब इसके कैपिटल में से लेस नहीं किया तो ऐड क्यों करूं? गॉट इट? क्यों? क्योंकि हमें ड्राइंग्स यहां पे दी हुई थी लोन की। जब लोन की ड्राइंग का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि कैपिटल अकाउंट में से माइनस नहीं करी। जब माइनस ही नहीं करी तो फैक्ट नलीफाई करने के लिए एड बैक क्यों करूं? गॉट इट? यही पॉइंट था मेन। तो बाकी तो कर लेते तुम लोग लेस प्रॉफिट वाला, क्योंकि वो डिस्कस हो गया था। प्रॉफिट था बिजनेस का 1,50,000 रुपए, उसमें से 1,00,000 यहां पे दिया हुआ है, यानी कि 1,50,000 में से 1,00,000 डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 50,000। यस और नो? तो 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया है, नहीं दे के भी दिया है, नहीं दी तो इक्वल है। तो 1,50,000 में से 1,00,000 को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया था, तो 50,000 ही डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। जितना डिस्ट्रीब्यूट किया था वो वापस ले लेंगे, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल, 1,35,000 रुपीज, 1,65,000 रुपीज। इतना यकीन है मेरे को तुम लोगों पे, इंटरेस्ट निकाल लोगे। इज इट क्लियर? तेरा सही था? अरे शाबाश कुड़ी। चलो हम क्लास एंड कर रहे हैं, इको की स्टार्ट करेंगे।